में आया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जल्द ही लॉन्च करेंगी अपना फर्स्ट पॉप एल्बम। इस एल्बम में प्रियंका सॉन्ग्स खुद लिखेंगी और गाएंगी भी, और इस काम में उनकी मदद करेंगे अमेरिकन आइडल फेम जिमी अर्विन। सलमान और आमिर के बाद अजय देवगन भी शामिल हो गए हैं 100 करोड़ अर्निंग क्लब में। दरअसल अजय की रीसेंट रिलीज सिंघम ने आमिर की थ्री इडियट्स और सलमान की दबंग की तरह ही पूरे 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। खबर आ रही है कि 90s के सिंगिंग सुपरस्टार कुमार सानू संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म राउडी राठौड़ से बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में कुमार सानू श्रेया घोषाल के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग गाएंगे। रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपना बर्थडे कुछ अलग स्टाइल में सेलिब्रेट किया। दरअसल काजोल अपने हस्बैंड के रिसेंट रिलीज सिंघम को मिले सुपर रिस्पॉन्स से काफी खुश थी, और उन्होंने अपने हस्बैंड अजय के साथ इस फिल्म को थिएटर में देखकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। टेलीविजन सोप क्वीन एकता कपूर आजकल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा से नाराज चल रही हैं और फ्यूचर में प्रियंका के साथ काम ना करने की बात कर रही हैं। दरअसल प्रियंका ने एकता की फिल्म डायन को करने से इनकार कर दिया था, और एकता को पिगी चॉप्स का ये नेगेटिव रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं भाया।